तो गाइज आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी राजस्थानी कढ़ी, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ तो मैंने मम्मी से सीखी है कि राजस्थानी कढ़ी कैसे बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो ये लिया मैंने दही, उसको फेंट लिया है, अच्छे से पानी डाल लिया है और अभी इसमें मैंने बेसन, रेड चिली और नमक ऐड कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन डाल सकते हैं ना पानी? नहीं, पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, इतना गाढ़ा थोड़ा ना अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें नमक, लाल मिर्च और बेसन, दही को पानी डाल के अच्छे से थोड़ा सा पतला टाइप का बना लेना है ना, जिस टाइप के इस टाइप का सा बन जाएगा ये। ठीक है, इसको अच्छे से फेंटना है। अभी इसको अच्छे से फेंटना है। इसको फेंटने के लिए एक अलग से आता है ना, वो हम रई से भी कर सकते हैं अगर वैसे नहीं फेंटा जा रहा है तो। मम्मी लोग तो इसी से ही करते हैं। इससे गुठलियां मतलब इसमें ना एकदम इवन बैटर टाइप बन जाएगा ये ना, स्मूथ हो जाएगा, इसमें कोई गुठलियां नहीं रहेंगी, अनइवननेस नहीं रहेगी। क्या है ये? लौंग, सरसों के दाने। मेथी के दाने, जीरा, और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी इसमें सौंफ। इसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन की कलियां कटी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज ना भी ऐड करें, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट ना अलग से बहुत अच्छा आता है। कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसमें प्याज भी ऐड करूंगी क्योंकि जो प्याज है ना उसका टेस्ट राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हमें चलाना है। प्याज चाहो तो ऐड करो, अगर नहीं चाहिए तो मत डालो। के बाद जो हमने बैटर तैयार किया था वो मैं इसमें डालूंगी। तो आपको धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना। और इसकी खास बात ये है, एक चीज ध्यान रखने का है इसके अंदर, आपको ना तुरंत डाल के फिर छोड़ना नहीं है, अदरवाइज तो ये फट जाएगी। तो आपको धीरे धीरे चलाते रहना है इसको, जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाए आपको चलाते ही रहना है। हमारी जो कढ़ी का कलर आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा कलर आ रहा है। देखो बैटर जो है वो सेम तरीके से तैयार होता है, वही लस्सी या दही के अंदर बेसन ऐड किया जाता है, बट इसको छोंकने का, इसका जो तड़का है वो अलग अलग तरीके से पूरे भारत में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है ना। और कढ़ी बनाना इतना अच्छा लेडीज को आता है, ज्यादातर जगह उतना अच्छा ही जेंट्स ही बना लेते हैं। ये तो है, वो तो कुक होते हैं ना, अलग अलग फेमस होते हैं वो तो बहुत सारे। और कढ़ी के साथ राइस तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आज हमने राइस बनाए और उसके साथ राइस यहाँ तैयार है। हमारे राइस हमारे बन के तैयार है, बासमती राइस अच्छे वाले। किसी का भी मन करे तो एक बार बनाना जरूर ऐसे। तो धीरे धीरे देख सकते हैं आप, कलर आना शुरू हो गया है। किसी को पतली पसंद होती है, किसी को थोड़ा सा इस गाढ़ी से अच्छी लगती है ना। कढ़ी का जितना छोक मेन रहता है
तड़का जिस प्रकार से मेन रहता है उसी प्रकार से आप कितनी देर तक इसको चला रहे हो। अब आप चलाना छोड़ दो निकले इसको, क्योंकि अब बॉईल आ गया है ना, अब इसको ना फटने का डर नहीं है। अगर बॉईल आने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, ये अच्छे से अब अपने आप पक जाएगी। जो बेसन जो है ना उसमें कच्चा नहीं रहना चाहिए। अभी थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा पानी और डाल दिया, वो अच्छा टेक्सचर आ रहा है, वो अच्छी लग रही है। एक उबाल और आने देते हैं। हाँ। तो अभी देखो हमारी जो कढ़ी है ये इस प्रकार से अच्छे से एक अच्छा सा उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसमें ऊपर से मैं ऐड करूंगी गरम मसाला। गरम मसाला जो मैंने इसमें ऐड किया है उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मेन जो है तो इसमें अलग से मैंने लिया है देसी घी। अभी इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा, और हल्का सा लाल मिर्च। उधर मैंने कढ़ी जो है गैस ऑफ कर दिया है, ये देखो अभी और ये इसके ऊपर इस तरीके से। और इसको एक मिनट के लिए बंद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अलग से जो ऊपर से तड़का लगाया है उसके बाद मैंने डाला है कटा हुआ हरा धनिया। तो फाइनली हमारी कढ़ी बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना, और एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।